हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिनी गार्डन। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करूंगी मैंने जो भी कटिंग लगाए थे 1 से 1.5 महीने पहले, वो सारे कटिंग अब कितने बड़े हुए हैं, ये सब मैं आपको आज इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ सिंगोनियम से। तो ये सिंगोनियम लगाई थी 2 कटिंग, बट ये की सर्वाइव किया है, दूसरा ज़्यादा पानी होने से वो गल गया था। तो ये वाला काफ़ी अच्छा ग्रो किया है, और जस्ट उसके साइड में ये है यूफोर्बिया का, ये भी बहुत अच्छा ग्रो किया है। और इसके साथ में ये छोटे छोटे पप्स भी लाई थी, वो भी लगा दी थी, वो भी काफ़ी अच्छा लग चुका है, ये देखिए। और ये है कॉपर प्लांट, इसका भी कटिंग लगाई थी, इसका कटिंग भी बढ़िया लग गया है, ढेर सारे लीव्स आ गया इसमें भी। और ये भी कटिंग से ही मैं ग्रो की हूँ, आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये वाला जो प्लांट है दिखने में काफ़ी सुंदर है, लेकिन मुझे इसका नाम नहीं पता। मैं बेबी प्लांट ला के लगाई थी, आपको अगर पता हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा कि इसका नाम क्या है, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। और ये देखिए, ये भी एक ही प्लांट ला के लगाई थी, लेकिन ये अभी छोटा पड़ गया पॉट, क्योंकि ये जो है साइड से फैलता है, तो इसे हमेशा बड़े पॉट में लगाना चाहिए। तो इसका पॉट मैं चेंज कर दूँगी। और ये है स्नेक प्लांट, ये देखिए, ये भी एक है, ये भी एक है। तो ये मैं लगाई थी 1 से 1.5 महीना हो रहा है इसको भी, इसके भी साइड से बहुत सारे शूट्स निकलते हैं, ये भी हमेशा बड़े पॉट में लगाना होता है। और ये कैक्टस का है, और ये एक कैक्टस का वैरायटी है, और ये आप देख सकते हैं। एक जोरा का मैं लगाई थी 2 कटिंग, एक में तो पत्ते आए नहीं और दूसरे में छोटे छोटे पत्ते आ रहे। और ये है एस्पेरागस, ये देख सकते हैं ट्रम्पेट वाइन है, ये भी कटिंग लगाई थी। और ये है सबसे अच्छा प्लांट है, ये मेडिसिनल प्लांट है, ये गिलोई का है, इसका जूस वगैरह काढ़ा बना के जो पीते हैं वही है। और ये फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी अच्छा फ्लावर है, इसको तो मैं अभी अभी लगाई हूँ, महीना भर हो रहा है तो इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गया, आप देख सकते हैं। और ये जो है आप देख पा रहे, ये है छुई मुई का प्लांट, इसमें तो भर भर के फ्लावर्स आ रहे हैं अभी, और इसमें ढेर सारे फलियां लगे हुए हैं, इसमें ढेर सारे फ्लावरिंग भी हो रही है, देखिए इसमें फलियां कितने सारे लगे हुए हैं। ये छुई मुई का है, और ये भी एक प्लांट है। और इधर भी आप देख सकते हैं, ये कटिंग लगाई थी, तो इसका जो कटिंग है 3 से 4 लगाई थी, तो सारे सूख गए हैं, और 2 जो है रह गया है, इसमें नए पत्ते आ रहे हैं। फाइकस का है ये, काफ़ी अच्छा लग रहा है दिखने में। और ये लीची लगाई थी सीड्स से, लीची घर पे लाए थे, वही लीची खाने के बाद जो सीड्स हम फेंकते हैं उसी को मैंने लगा दिए थे ग्रो बैग में, तो वो अच्छे से जर्मिनेट हो गया है, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और ये जो है हिबिस्कस के है, यहाँ पर भी हिबिस्कस कटिंग, अलग अलग कलर के हिबिस्कस लगाई हूँ, और इसमें कोकोनट लगा के रखी हूँ। पिछले बार भी एक कोकोनट लगाई थी, तो ये हो गया बहुत बड़ा, 1 साल का हो गया है, तो फिर से और लगाई हूँ। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा छोटे 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 पॉट में लगा हुआ है कटिंग। तो फ्रेंड्स, ये है मेरे कुछ कुछ न्यू कटिंग, और भी है, तो आज का वीडियो मैं यहीं तक रखती हूँ। फ्रेंड्स, हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, थैंक यू, बाय बाय।